कि लोकपाल का इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म हो जाता है एक महीने के अंदर वो पूरे इन्वेस्टिगेशन का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर आएगा, वो भी खत्म कर दिया। यही मेरा दूसरा सवाल था कि एक बात लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आई कि पारदर्शिता को लेकर ट्रांसपेरेंसी लोकपाल के काम का है, उसको लेकर एक क्लॉज था, वो क्लॉज ही पूरा का पूरा नए बिल में गायब कर दिया गया है, वो क्या चीज थी, आप इसी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए ये लिखा था कि पहले वाले बिल में कि लोकपाल शैल पब्लिश एवरी मंथ ऑन इट्स वेबसाइट लिस्ट ऑफ केसेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड प्रीवियस मंथ, लिस्ट ऑफ केसेस डिस्पोज्ड ऑफ विद अ ब्रीफ डिटेल ऑफ ईच सच केस, आउटकम एंड एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन इन दैट केस, लिस्ट ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग एंड मिनट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन मीटिंग्स एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब पब्लिश करना था, ये सब हटा दिया। इसीलिए देखिए आखिर में अन्ना ने क्यों ये बोला कि 2014, उनको जब ये समझ में आ गया कि भाई इस बिल में और 2014 के बिल में काफी अंतर है, कई अंतर हैं, और जो 2014 का बिल था वो तकरीबन उसी आधार पर बनाया था जिस आधार पर जन लोकपाल बिल बनाया गया था 2011 वाला, और जिस आधार पर उत्तराखंड का बिल बनाया था 2011 वाला। जब उनको ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने ये बोला कि भाई कोई औचित्य नहीं है कि क्यों इसमें अब बदलाव किया जाए, जब इतने सब उसके बाद 2014 का एक बिल लाया गया था जो ठीक है और जो उसी आधार पर है जिस आधार पर हम लोगों ने जन लोकपाल बिल बनाया था, तो ये सारे चेंजेस करने की क्या जरूरत है।